नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे गुरु के चेंज के बारे में। जो जुपिटर हमारा चेंज हो रहा है, 2 नंबर टॉरस वृषभ में जा रहा है, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रेनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, टॉरस में जा रहा है, 2 नंबर में इंडिया के फर्स्ट हाउस में, 1 मई को ये चेंज है 2024 को, और 14 मई 2025 तक चलेगा, 1 साल और 15 दिन का चेंज है। तो ये चेंज सबके लिए कैसा रहेगा? आज है 15th of March 2024 फ्राइडे, और ये वीडियो अपलोड होगी ठीक 3 दिन बाद 18th of March 2024 मंडे को। अभी हम इसमें थोड़ा सा ही बताएंगे, बाकी डिटेल वीडियो हम इसके दोबारा बनाएंगे। और ये इंडिया की कुंडलियां, आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, हाँ ये इसके अकॉर्डिंग प्लैनेटरी फर्स्ट मे के अकॉर्डिंग प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है फ्रॉम टॉरस। ये पॉइंट्स में पड़ जाती है फ्रॉम टॉरस। ये टॉरस 2nd नंबर से जुपिटर देखेगा वर्गो को, 5th आस्पेक्ट से अपने देखेगा वर्गो को, 1, 2, 3, 4, 5। 7th आस्पेक्ट से देखेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक को, 7th हाउस को इंडिया के, और 9th हाउस को देखेगा जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, कैप्रिकॉन मकर को। तो इन सबके लिए कैसा रहेगा ये आपको हम डिटेल में बताएंगे। जुपिटर आउट ऑफ शनि एस्पेक्ट, जुपिटर जो है गुरु जो है शनि के एस्पेक्ट से बाहर आ जाएगा। गुरु अब जुपिटर अब हमारा केतु के एस्पेक्ट में रहेगा। स्कॉर्पियन गेट ह्यूज बेनिफिट, जो स्कॉर्पियन वृश्चिक लगन वाले होंगे, हमारी जो प्रेडिक्शन होती है लगन से होती है, उनके लिए बेनिफिट बहुत अच्छा ज्यादा देगा। दोस्तों अब है क्या, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जुपिटर जो चेंज होने वाले, मोस्ट एंटिसिपेटेड चेंज होगा 2023-2024 का, उसके बारे में बताइए। दोस्तों यहाँ पे हम छोटी छोटी बातें पकड़ के चलते हैं। ऑब्वियस बात दोस्तों, जब हम मई के अंदर अप्रैल एंड के आसपास हम लोग वीडियो बनाएंगे, इसके तब डिटेल में बात करेंगे, बट उसे इतना हम लोग मान कर चल सकते हैं कि 3 ग्रह दोस्तों ऐसे होता है जिनका जो चेंज होता है, जिनका जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड होता है, बहुत ज्यादा दोस्तों कह सकते हो कि फ्रूटफुल होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो 3 चेंजेस होते हैं। तो पहला हो गया आपका जुपिटर का, जो लगभग 13 महीने का होता है। तो देखिए 1 मई 2024 से 14 मई 2024, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया दोस्तों, 12.5 महीने का हो गया। दोस्तों एक होता है शनि का, करीब 2.5 साल का चेंज रहता है दोस्तों। एक होता है आपका राहु का, तो करीबन 18 महीने का चेंज रहता है। तो ये दोस्तों 3 चेंज जो होंगे ना, ये पूरी दुनिया पर अपने इफेक्ट डालते हैं, हर इंसान पर अपने इफेक्ट डाल के चलते हैं। और दोस्तों क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, अगर आप सोलर सिस्टम की भी बात करेंगे दोस्तों, जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे हैवी प्लैनेट भी है, तो इसका इफेक्ट दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है इसका। तो इसीलिए कहा जाता है कि जुपिटर जो होता है इतना ताकतवर प्लैनेट है, इतना बड़ा प्लैनेट है, और मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट बिकॉज गुरु है दोस्तों ये। तो जब इसकी पावर मिलती है आपको, जब इसका बेनिफिट मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, छप्पर फाड़ कर मिलता है। लेकिन जब इसकी नेगेटिविटी मिलती है, तो भी दोस्तों छप्पर फाड़ कर ही मिलती है। तो दोस्तों गुरु का हमें ध्यान में देखे चलना है कि ये पर्टिकुलर चेंज बहुत अच्छा चेंज रहने वाला है, स्पेसिफिकली दोस्तों तब जब देखते हैं नंबर 2 के अंदर। दोस्तों हालांकि नंबर 2 राशि बनती है शुक्र की, शुक्र और गुरु दोस्तों कहीं से मित्रता नहीं है। और दोस्तों जब कोई प्लैनेट एनिमी साइन के अंदर आता है, इतना अच्छा काम नहीं करता। बट यहाँ पे क्या दोस्तों कंडीशन क्या है कि शुक्र जो है दोस्तों, शुक्र की जो राशि है वृषभ राशि, ये गुरु की ही राशि शुक्राचार्य दोस्तों। गुरु जब गुरु के घर जाएगा, एक गुरु जब दूसरों को गुरु के घर जाएगा, एक पंडित जब दूसरे पंडित के घर जाएगा दोस्तों, तो वहां पे धर्म की भावना बढ़ती है, वहां पे दोस्तों अच्छी भावना बढ़ती है। बिकॉज दोनों पंडित मिलेंगे, दोनों प्रीस्ट मिलेंगे, दोनों गुरु मिलेंगे, दो संत मिलेंगे दोस्तों, तो वहां पे संतों की वाणी बढ़ती है। तो दोस्तों कोई अपनी दोस्तों गुरु जो है देव ऋषि बृहस्पति, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करेंगे, तो शुक्राचार्य अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन करेंगे, यानी कि दोस्तों बातें बढ़ती है, पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर भी दोस्तों हम लोग बात करके देखेंगे तो चीजें बेहतर ही होंगी यहाँ पे। कहो दोस्तों क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान के चार्ट के अंदर दोस्तों जुपिटर फर्स्ट हाउस में लैंड करेगा, इंडिया के सेल्फ हाउस में लैंड करेगा। तो दोस्तों हिंदुस्तान के लिए धर्म की बात करें दोस्तों, धर्म की तरफ बात करें, योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, इस तरह की दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि दोस्तों 1 मई को जब ये चेंज होगा, तो ऑलमोस्ट दोस्तों नई सरकार की फॉर्मेशन होने वाली होगी, या दोस्तों रिजल्ट आने वाला होगा। तो दोस्तों मोदी जी, मैंने आपको बता रखा है कि मोदी जी जब आएंगे, और उनका जो पहला सवा साल होगा, उनके दोस्तों वृश्चिक लगन जो कि मोदी का वृश्चिक लगन है, गुरु का इम्पैक्ट जाने के बाद, तो काफी अच्छे डिसीजन आएंगे धर्म के रास्ते, दोस्तों डिसीजन आएंगे, और कई दोस्तों पेंडिंग के मामले दोस्तों वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। दोस्तों गुरु जुडिशरी को डिनोट करते हैं, तो जुडिशियल रिफॉर्म दोस्तों काफी सारे होंगे, हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अभी बस हम आपको हिंट देके चलते हैं दोस्तों।
जुपिटर जो होगा यहाँ पे नंबर दो में, तो उसका एक एस्पेक्ट जाएगा बुध के राशि के ऊपर। तो वकालत के लिए जो लोग मतलब ट्राई कर रहे हैं या जुडिशरी के लिए, दोस्तों बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट गया इसका स्कॉर्पियन पर, बता दें कि बहुत ही बड़ा काम हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट गया इसका कैप्रिकॉन पर, कैप्रिकॉन को भी फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कैप्रिकॉन जो है गुरु की नीच की राशि है, अच्छा असर यहाँ पर भी होगा लेकिन इतना अच्छा असर नहीं होगा जितना स्कॉर्पियो को या कन्या को मिलेगा। तो अब तक ऐसा गुरु था एक नंबर के अंदर, और दोस्तों एक दो तीन दोस्तों शनि का थर्ड एस्पेक्ट जाने की वजह से वो अपनी पूरी जो ताकत थी दोस्तों नहीं ले पा रहे थे, बिकॉज शनि अपनी राशि में बैठ के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में दोस्तों कोई भी रहेगा तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो शनि में दोस्तों गुरु का इम्पैक्ट जाने से तो गुरु को दोस्तों उतनी पावर नहीं मिल पा रही थी। अब दोस्तों गुरु क्योंकि शनि से दूर आ चुका है, उससे चौथे घर में आ चुका है, तो गुरु का दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हालांकि दोस्तों केतु का इंपैक्ट दोस्तों गुरु पे आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो केतु का 9th एस्पेक्ट जब गुरु पे आएगा दोस्तों, केतु धर्म गुरु धर्म, तो धर्म की दोस्तों जो भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे। और तुमने बताया कि स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, बिकॉज उनके तो 7th इंपैक्ट जो कि सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी ग्रह का, उसकी वजह से दोस्तों मंगल वालों को स्कॉर्पियंस को दोस्तों बहुत बड़ा इंपैक्ट। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की जो समय दोस्तों दशा चल रही है वो मंगल की दशा चल रही है, मोदी जी के मंगल की दशा चल रही है, मोदी का लगन भी दोस्तों स्कॉर्पियो है, मोदी की राशि भी दोस्तों स्कॉर्पियो है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला भी जो टर्म अब स्टार्ट होने वाला है, तो पहला जो साल रहेगा गुरु के अंदर तो काफी अच्छे रिफॉर्म्स आने वाले हैं दोस्तों, देखते हैं वेट करेंगे। अभी एक बार इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद दोबारा बात करेंगे, बट अभी के लिए दोस्तों एक हल्के से हम आपको हिंट देकर चलते हैं यहाँ पे। चलिए ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए, अब हम सीधा लग्नों पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर एरीज मेष लग्न, मंगल की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा गुरु का चेंज? तो अभी से हम लोग इसलिए बात करें इन चीजों की ताकि आप लोग अपनी लाइफ के प्लान कर सके एज पर दैट, क्योंकि मई में दोस्तों टाइम चेंज होगा सभी का। दोस्तों हम मेष की बात करें, मेष लगन की बात करके देखें दोस्तों, आपके दोस्तों जुपिटर बनते हैं 9th हाउस का लॉर्ड, धर्म का लॉर्ड। तो दोस्तों धर्म का लॉर्ड का सेकंड हाउस में दोस्तों एक बात कंफर्म हो जाती है कि जब आपके सेकंड हाउस में जुपिटर की लैंडिंग होगी, 9th का लॉर्ड इन सेकंड हाउस दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करके चलेगा। ये आपके पैसे की बात करें, आपके लॉकर की बात करें, आपकी सेविंग की बात करें, सबको बढ़ा के चलेगा। दोस्तों गुरु को कहा जाता है प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, सेकंड हाउस होता है लॉकर, पैसा। दोस्तों पैसा एक बहुत बड़ी चीज है आज की दुनिया के अंदर जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। दोस्तों पैसा बढ़ते जाएगा आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी, पैसा डाउन आएगा आपके पास तो आपकी खुशियां डाउन होंगी, तो दोनों आपस में दोस्तों रिलेट करते चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा आपका, और इसी जुपिटर का इंपैक्ट आपके 10th हाउस पर भी आएगा, जो कि आपके करियर के अंदर स्टेबिलिटी लेके करियर को बढ़ाए, करियर के अंदर फ्लरिशमेंट। यानी कि दोस्तों आपके लिए बॉटम लाइन क्या है कि आने वाला जो टाइम है मई से, ये पैसे और करियर के लिए बहुत अच्छा, अभी से ही प्लान करिए काम बढ़ाना है, जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो एक मई तक वेट करें। अपनी कुंडली में देखिए क्या दशा चल रही है, आपकी गुरु की क्या पोजीशन है, सब कुछ वेल प्लेस है, तो मई से अपनी जॉब की तैयारी कीजिए, जॉब बढ़ के चलेगी। अभी हम आपको बस एक ही लेवल हिंट देकर चलते हैं अभी आप। चलिए एरीज मेष लग्न का हो गया कि इनके लिए कैसा रहेगा, हम आते हैं सेकंड नंबर टॉरस वृषभ शुक्र की पहली राशि, चेंज ही यहीं पे हो रहा है तो इनके लिए तो हो जाएगी डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले, बाकी आप डिटेल में बताएंगे। टॉरस वृषभ शुक्र की पहली राशि, चलिए फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हमारी हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लग्नों का जानने के लिए। दोस्तों वृषभ लग्न के अंदर यानी कि अब तक जुपिटर का दोस्तों इंपैक्ट आ गया। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि गुरु जो होता है दोस्तों जहां पर बैठते हैं वहां को नुकसान करते हैं, और जहां जहां इसका एस्पेक्ट जाता है दोस्तों वहां पर इसकी फ्लरिशमेंट होती है। दोस्तों मेरा थोड़ा विचार अलग है, मेरा विचार है कि दोस्तों गुरु यहाँ पर भी बैठेगा ना तो वहां पे बुरा करेगा ही नहीं, बिकॉज गुरु बुरा करता ही नहीं है दोस्तों किसी का। तो नंबर दो के अंदर यानी कि वृषभ के अंदर गुरु की ही राशि है दोस्तों, शुक्र की ही राशि है, शुक्राचार्य दोस्तों भी गुरु ही है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों, जिस कुटिया में दोस्तों गुरु जाएगा, एक गुरु दूसरे गुरु की जब कुटिया में जाएगा उस कुटिया में रोशनी बढ़ती है, यानी कि वृषभ वालों के अंदर दोस्तों रोशनी बढ़ेगी, एक इनलाइटनमेंट वाला दोस्तों फीलिंग आएगी, सेल्फ दोस्तों जो कहते हैं ना कि सेल्फ क्लीनिंग वाली जो बात, सोल क्लीनिंग की जो बात होती है, तो यहाँ पे दोस्तों सोल क्लीनिंग की बात स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि हिंदुस्तान का भी दोस्तों सेल्फ का हो गया, हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों एक अलग से मैं बनाऊंगा दोस्तों वीडियो भारत के ऊपर, अभी आप पे फोकस करके चले। तो यहाँ पे सेल्फ क्लीनिंग की बात करें दोस्तों, माइंड की बात करें, माइंड में दुर्भावना की दोस्तों दब खत्म हो जाएंगे, लालच, दुर्भावना, क्रूरता, डिप्लोमेसी दोस्तों वो सब खत्म होकर एक शांति वाला दोस्तों पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करके देखें दोस्तों एस्पेक्ट जाएगा 5th हाउस के ऊपर, दोस्तों गुरु का शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गुरु को दोस्तों धन के साथ जोड़ा गया। तो जिनका जुपिटर कुंडली में स्ट्रांग होता है
उनको शेयर मार्केट में नुकसान होता ही नहीं है कभी भी, लॉन्ग टर्म में बहुत मोटा मुनाफा लेके आते हैं। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, गुरु का स्पर्क गया 6 नंबर के ऊपर। दोस्तों 6 नंबर वैसे भी शेयर मार्केट को डिनोट करता है, 5th हाउस भी शेयर मार्केट को डिनोट करता है, उसे केतु ऑलरेडी यहाँ पे तो अचानक काम करवा करते हैं। तो यहाँ से आपके लिए शेयर मार्केट में जो लोग हैं, स्पेकुलेशन में जो लोग हैं, उनको तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों वो सब लोग जो बैंकिंग के अंदर सीएज हैं दोस्तों 5th हाउस रिलेटेड, तो इसका इम्पैक्ट गया 9th हाउस पापा के लिए दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। 7th हाउस में इम्पैक्ट आएगा शादी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों सोशल लाइफ की बात करें, पैसों की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, पिता की बात करें, हायर स्टडीज की बात करें, दोस्तों इसमें बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। उसको ऑब्वियस ही बात है कि शनि भी आपका 10th हाउस में, करियर आपका स्टेबिलाइज रहेगा। अगर कुंडली भी स्ट्रांग है दोस्तों, आपकी कुंडली की दशा भी स्ट्रांग है, तो मान के चले कि एक महीने से आपकी लाइफ बदलने का योग बन चुका है। चाहे वो शादी की बात करें, अगर लेडी है दोस्तों प्रेगनेंसी की बात करके देखेंगे, और किसी ने हायर स्टडीज करें तो हायर स्टडीज की बात करके देखें, तो यहाँ पे सब कुछ फ्रूटफुल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, टॉरस ऋषभ का हो गया, इनके लिए तो आप हर तरीके से अच्छा बता रहे हैं कि मैरिड लाइफ भी इनकी ठीक होगी, और जो कंसीव करना चाह रही हैं लेडीज उनके लिए भी टाइम ये फ्रूटफुल रहेगा। चलिए अब हम आते हैं 3rd नंबर, जेमिनाई मिथुन बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जेमिनाई मिथुन। दोस्तों जेमिनाई मिथुन की बात करके देखें तो अब अमूमन दोस्तों क्या होता है, कोई ग्रह जब किसी की कुंडली में 12वें घर में आता है तो अपनी शाइन, अपनी पार, अपनी पॉजिटिविटी दोस्तों खोता है। अब इनकी कुंडली में दोस्तों गुरु आएगा 12वें घर के अंदर, क्योंकि 2 नंबर राशि बनती है दोस्तों 12वें घर के अंदर। बट दोस्तों 12वां घर होता है एंड ऑफ द जर्नी, आखिरी हाउस है हॉरोस्कोप का, यानी कि आप मान के चलिए कि शाम रात ढलती हुई जिंदगी। तो हम लोग 12th हाउस से इंप्रिजनमेंट दोस्तों, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंसेस, जो भी दोस्तों नेगेटिव चीजें होती हैं लाइफ की, हम लोग 12th हाउस से रिलेट करते चलते हैं। हाउस दोस्तों तो कहते हैं सैडनेस वाला हाउस, इंसोम्निया की जिसको दिक्कत हो, जो लोग पर्सनल यूनिटी हो, दोस्तों 12th हाउस का रोल इसमें बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों गुरु के पास जैसा बताया कि इतनी ज्यादा पावर होती है, और वो धर्म को डिनोट करता है, आपकी आपकी लाइफ की जर्नी को डिनोट करता है, आपके इंटरनल दोस्तों सेटिस्फेक्शन को डिनोट करता है। वो जब 12th हाउस में आता है उसकी नेगेटिविटी इतनी दोस्तों नहीं बढ़ती, वो इनफैक्ट आके 12th हाउस को पॉजिटिव कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में जिसके आप मिथुन लगन वाले दोस्तों कहें कि जैसे गुरु 12वें घर के अंदर आएगा दोस्तों, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट बढ़ जाएगा, देने वाला दोस्तों पार्ट बढ़ जाएगा, चैरिटी वाला दोस्तों पार्ट बढ़ जाएगा, आपके दोस्तों मान के लिए कि काइंड ऑफ दोस्तों इनर जो एनलाइटमेंट होती है दोस्तों उसमें कहने की बढ़ोतरी होगी। इसका जब इफेक्ट आपका 4th घर के ऊपर जाएगा दोस्तों मन के अंदर बहुत ज्यादा शांति आएगी, मन के अंदर दोस्तों आप कह सकते फ्यूचर वाली फीलिंग होगी, सेंट वाली फीलिंग आ जाएगी। बिकॉज दोस्तों कोई भी ग्रह जब 4th हाउस से कनेक्ट होगा तो उसकी फीलिंग, उसकी जो क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज होते हैं तो वो आपके मन में आती है। गुरु धर्म वाला प्लैनेट है दोस्तों, देने वाला प्लैनेट है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका मन के अंदर दोस्तों देने की भावना ज्यादा है। गुरु का काम दोस्तों देना होता है, लेना नहीं होता, गुरु सिर्फ देता है तो लेता नहीं है दोस्तों इसका इफेक्ट जाएगा आपके 6th हाउस के ऊपर। दोस्तों बीमारियां कम होंगी, दुश्मन शांत होंगे, आपके पेट अच्छा रहेगा, आपकी चीजें बेटर होंगी, और दोस्तों इसका इफेक्ट जाएगा आपके 8th हाउस के ऊपर। हालांकि यहाँ पर दोस्तों नीच की राशि है, दोस्तों 8th हाउस पर दोस्तों गुरु का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी एज को लंबा करेगा, आपके जो अगर किसी को थाइस के इशूज है, हिप्स के इशूज है दोस्तों किसी को, तो उनमें दोस्तों कहीं ना कहीं कंट्रोल, और दोस्तों 8th हाउस इंटरनल ट्रेवलिंग का, स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूटिव पावर का दोस्तों, उन सब में दोस्तों बढ़ोतरी, धार्मिक भावनाओं में आपके बढ़ोतरी। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पैसे से ज्यादा हम लोग देख के चले मानसिक शांति वाला जो पार्ट है दोस्तों बहुत ज्यादा है। तो वो सब लोग जो मानसिक शांति की दोस्तों तलाश करते, पैसा था को इंटरनल पीस नहीं था, उनको फर्स्ट में से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर कुंडली में भी गुरु स्ट्रांग है दोस्तों, वेल प्लेस्ड एग्जॉल्टेड है, मान लीजिए केंद्र में है त्रिकोण में, तो दोस्तों कहना ही क्या, फिर तो आपकी लाइफ पलटने का टाइम आ गया। चलिए मतलब जेमिनाई वालों के लिए भी डबल थम्स अप, बल्ले बल्ले। हाँ, यहाँ पैसे से ज्यादा बाकी चीजें काम करेंगी, मतलब ये जो 1 साल का चेंज है इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा हर तरीके से लिए। चलिए अब हम आते हैं, ये तो है फिर भी जनरल, अगर आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, और अभी हम इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, डिटेल में जानने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 3rd नंबर जेमिनाई का हो गया, अब हम आते हैं 4th नंबर कैंसर कर्क, चंद्रमा की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों कैंसर की बात करें, कर्क की बात करें दोस्तों, ये जो है दोस्तों कर्क राशि जो होती है तो जुपिटर की एग्जॉल्टेड साइन होता है, तो यहाँ पर गुरु का काम होता है बहुत अच्छा करना, 5th और 8th का लॉर्ड बनता है दोस्तों, बहुत शानदार प्लैनेट, बहुत ही शानदार प्लैनेट दोस्तों, 6th और 9th का दोस्तों मतलब त्रिकोण का लॉर्ड बनता है, सबसे मजबूत त्रिकोण का। अब दोस्तों जुपिटर जो यहाँ पे लैंडिंग होगी दोस्तों आपके 11वें घर के अंदर होगी, और दोस्तों 11वें घर का गुरु, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इससे अच्छा काम दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। बिकॉज 11th हाउस हमारी एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग हाउसेज में से होता है, बिकॉज गेन्स को डिनोट करता है, फाइनेंशियल गेन,
मन के अंदर खुशियों का गेन, शादी का गेन, दोस्तों स्पेकुलेशन का गेन, मतलब गेन मतलब दोस्तों हर चीज गेन, खाली पैसे गेन दोस्तों, फीलिंग डिजायर फुलफिलमेंट दोस्तों, आपकी आपका जो प्रोफेशन उसका सेकंड हैंड की प्रोफेशनल वेल्थ को डिनोट करता है दोस्तों, बच्चों की शादी को डिनोट करता है और आपकी वाइफ के लक को डिनोट करता है, वाइफ के जॉब को डिनोट करता है, मतलब बहुत अच्छा हाउस दोस्तों बनकर चलने की वजह से इसको दोस्तों पावरफुल हाउस कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे गुरु यहाँ पे 11th हाउस में आ जाएगा दोस्तों, एक बार मान के चल सकते हैं क्योंकि जो इसका लगन का मित्र, लगन का एग्जॉल्टेड साइन होने के कारण दोस्तों इसमें जो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों गेंस की बात करें, डिजायर फुलफिलमेंट की बात करें दोस्तों, थर्ड हाउस पे इसका इंपैक्ट जाएगा। सिबलिंग के साथ आपके रिलेशनशिप की बात करें, आपके घूमने फिरने की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, आपके कान या थ्रोट में कुछ हो तो उसको ठीक होने की बात करें, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ा बात फिफ्थ हाउस पे इंपैक्ट गया, तो स्पेकुलेटिव गेन्स, बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, प्रेगनेंसी की बात करें, सेफ डिलीवरी की बात करें, IVF की बात करें, IUI की बात करें, सब कुछ शानदार। और तो सबसे बड़ी बात इसका इंपैक्ट जाएगा आपके 7th हाउस के ऊपर जो कि मैरिज वाला हाउस होगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैरिज के प्रॉस्पेक्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, पार्टनरशिप के प्रॉस्पेक्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, लोअर बैक की बात करें, लोअर बॉडी की बात करें, सब कुछ बढ़ गया। तो कुल मिलाकर सो इन सब इन कर्क लगन वालों के लिए दोस्तों चीजें बहुत ज्यादा सुंदर नजर आती है, कहीं से भी दोस्तों मुझे कोई रुकावट नजर नहीं आती। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 2024 का जो सबसे बड़ा फेज होगा वो आपका फर्स्ट मे से स्टार्ट होने वाला है, जैसे गुरु का चिन्ह होगा। तो उसकी तैयारी कीजिए, शादी की, बच्चों की, प्रेगनेंसी की, IUI की, IVF की, जैसा डॉक्टर का वैसा करके देखिए। यहाँ पे दोस्तों सफलता की जो डिग्री है वो असफलता की डिग्री से बहुत ज्यादा होगी, तो नेगेटिविटी ना के बराबर। चलिए फोन नंबर कैंसर कर का भी होगा, हम आते फिफ्थ नंबर लियो सिंह, मतलब कैंसर वालों के लिए भी अच्छा बता रहे, मतलब गुरु का चेंज ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा ही अभी तक, तो गुरु का बैर नहीं है किसी के साथ बिल्कुल। चलिए फिफ्थ नंबर लियो सिंह, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए बाकी के दो लग्नों का कैसा रहेगा जो गुरु चेंज हो रहा है। हेलो दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे सिंह लगन की बात, अगर आप देखेंगे दोस्तों सिंह लगन जो होगा दोस्तों वो सबसे शानदार लग्नों में से एक होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, जब सिंह लगन यहाँ पे आएगा ना तो सिंह लगन के अंदर दोस्तों सूर्य जो है एग्जॉल्टेड होगा, यानी कि गुरु की जो आप गुरु का जो आप स्वागत करोगे दोस्तों, आपके लगन के लॉर्ड सिंह सूर्य उसके एग्जॉल्शन के साथ आप उसका स्वागत करोगे। तो दोस्तों कुल मिला के बहुत ही बड़ा चेंज। और दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर बन के चलता है दोस्तों, वो बनता है आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, बच्चों का लॉर्ड, आपकी प्रेगनेंसी का, आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज का, आपके एजुकेशन का, आपके स्पेकुलेशन का दोस्तों, उन सब का लॉर्ड दोस्तों बनेगा। और उसकी जब प्लेसमेंट होगी आपके करियर हाउस के अंदर दोस्तों, इससे बच्चा कुछ नहीं हो सकता। 10th हाउस दोस्तों कर्म स्थान होता है जिसमें गुरु के दोस्तों लैंडिंग होगी दोस्तों, और 10th हाउस कर्म स्थान, गुरु दोस्तों धर्म के लिए, यानी कि कर्म यानी कि आपके वर्क्स, आपका हार्डवर्क, और आपका धर्म यानी कि आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका बिहेवियर, आपका दोस्तों कह के चले कि भगवान के प्रति आस्था, अपने काम के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था, जब उनका दोस्तों कॉम्बिनेशन बनेगा तो चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर बन जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना बड़ा चेंज होने वाला है। और दोस्तों जब 10th हाउस का गुरु होगा आपके सेकंड आपके वेल्थ हाउस पर देखेगा दोस्तों, वेल्थ को बढ़ाएगा। 4th हाउस को देख के आपके इमोशन को तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी में योगदान देगा। और दोस्तों 6th हाउस को बीमारी खत्म करेगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं दोस्तों मान के चलिए कि बीमारी खत्म होने के कारण दोस्तों चीजें बेहतर, दुश्मन शांत होंगे आपके। तो कुल मिला के दोस्तों 10th हाउस के लिए गुरु बहुत शानदार काम करता है दोस्तों। कर्म और धर्म जब आपस मिलते हैं दोस्तों, ऐसे में गंगा स्नान के योग यहाँ बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जब गुरु आपके जब 10th हाउस में होगा दोस्तों, आपका लॉर्ड जो सूर्य दोस्तों वो एग्जॉल्टेड होगा शुक्र यानी कि लक्ष्मी जी के साथ, शुक्राचार्य के साथ। तो दोस्तों मैजिकल टाइम, हर लिहाज से दोस्तों मैजिकल टाइम दोस्तों, वेट करें, डबल थम्स अप, डबल फिंगर को दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए दोस्तों, सच में सिंह बनने का टाइम आ गया दोस्तों। ऐसा शेयर जो ना सिर्फ दोस्तों कर्म हार्डवर्क पे बिलीव करता है, ऐसा शेयर जो धर्म पे बिलीव करता है, धर्म पे भी बिलीव करके चलेगा, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करके चलेगा। चलिए लियो सिंह का भी हो गया, अब हम आते हैं आज का आखिरी लगना 6th नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे जेमिनी वालों के लिए आपने इतना अच्छा बताया बुध की राशि, तो ये भी बुध के ही है, इनके लिए भी इतना अच्छा फ्रूटफुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि इनके लिए नेगेटिविटी ज्यादा होती है हर बार दोस्तों। जेमिनी से लाख दर्जे बेहतर होगा वर्गों के लिए दोस्तों, आफ्टर ऑल बहुत बड़ा चेंज दोस्तों। अगर आप देखें वृषभ राशि जो बनती है दोस्तों, इनके बनते हैं 9th हाउस के अंदर अब दोस्तों। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे आप देखेंगे वर्गों को दोस्तों गुरु का इम्पैक्ट जा रहा है, यानी कि 9th हाउस के अंदर दोस्तों गुरु का इम्पैक्ट जाना, गुरु की वहां पे लैंडिंग हो जाना दोस्तों, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आप मान के चले कि 9th हाउस में गुरु का, क्योंकि 9th हाउस धर्म का होता है दोस्तों, गुरु धर्म को ही डिनोट करते हैं धर्म वाली बात दोस्तों। अब हम बात करें 9th हाउस होता है आपके फॉरेन सेटलमेंट का, फॉरेन में पढ़ाई का, डिग्री का, डिप्लोमा का, तो गुरु वहां पे आके मदद करें, गुरु पढ़ाई के लिए होते हैं।
तो एजुकेशन की बात करके देखें, हायर स्टडीज की बात करके देखें, डबल एमए की बात करके देखें, इस तरह की दोस्तों आप लोगों ने चीजें करनी होती है उसके बाद करके देखें दोस्तों, ये जुपिटर यहाँ पे आते हैं बहुत बड़ा काम। तो पापा की लेगेसी, पापा के साथ बिजनेस, पापा की एज, पापा की हेल्थ, वो दोस्तों बहुत बढ़ोतरी। तो गुरु का 9th हाउस इम्पैक्ट गया फर्स्ट हाउस पे, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। 5th इम्पैक्ट स्पिरिचुअलिटी वाला इम्पैक्ट होता है, स्पेकुलेशन वाला। सेल्फ हाउस पे आना, इस सेल्फ हाउस का पार। तो 3rd हाउस पे इम्पैक्ट गया सेल्फ की पावर बढ़ेगी, सिबलिंग के साथ फायदा मिलेगा। तो 5th हाउस पे अगेन स्पेकुलेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रेगनेंसी सारों पर। मतलब दोस्तों अगर हम बात करें 6 लग्नों की, तो वर्गो मेरे ख्याल दोस्तों सबसे बेटर लग्न होगा जिसको इतना बड़ा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। दोस्तों ना सिर्फ 9th हाउस में लैंड करेगा दोस्तों, इसका इम्पैक्ट भी आपके सेल्फ हाउस पर जाने वाला। तो इससे अच्छा दोस्तों कुछ नहीं होता। तो वर्गो वाले दोस्तों बहुत टाइम के बाद फिर से कह रहा हूँ, कुछ अच्छी खबर आनी शुरू हुई है। अब मुझे नक्टो से यहाँ से वर्गो या कन्या के जो लोग हैं वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो काफी बेटर। तो हम डिटेल में दोस्तों फिर भी हम लोग दोबारा बात करेंगे जब बनाएंगे तब। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि इतना बड़ा चेंज होगा, हम 4-4 की वीडियो 3 बार बनाएंगे ताकि डिटेल में समझा सकें आपको। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए इतना ही, 6 लग्नों की बातें होगी, बाकी 6 लग्न हम कल डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।